अभी हम पहुंच गए बस स्टैंड, ये पेट्रोल पंप है और इसके सामने है हेलीपर कोच। तो यहाँ से हम जाएंगे पहले बीकानेर, फिर बीकानेर से ट्रेन में। तो अभी अपने चलते हैं बस। तो दोस्तों अभी हेलीपर हो चुके रवाना और मेरे साथ जो मेरा भाई है वो भी बैठ चुका है और अभी हम जा रहे हैं सीधा बीकानेर। तो आपको मैं मिलता हूँ रास्ते में। बीकानेर और अभी हम खड़े हैं गंगानगर चौराहे पर और अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, इसीलिए हम जाना है टेम्पो में। अभी चलते हैं, हमने इसमें चलते हैं रेलवे स्टेशन जाना है। ये भीमराव चौधरी सर्किल है यहाँ पर, तो अभी चलते हैं हमने। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन, ये बीकानेर का रेलवे स्टेशन है और ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन को है वो बनाया गया है और यहाँ पर जो हमारे साथी वो फुल एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो अभी हमें लेनी है ट्रेन की टिकट। ये यहाँ पर देखिए आप कितना सुंदर, अभी रात हो चुकी है लेकिन आपको इतना साफ नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ हो चुकी है और अभी अपने चलते हैं अंदर। दोस्तों अब हमने जो है ट्रेन की टिकट ले ली है और हमें जाना प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो अभी हमें जाना है वो आगे वाले में, तो अभी चलते हैं। और ये रात का जो है सिटी का दृश्य और यहाँ से हम जा रहे हैं और यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी है, वो एक सामने एक इंजन भी खड़ा है। तो अभी चलते हैं अपने। दोस्तों हम अपने प्लेटफॉर्म नंबर पर आके बैठ चुके हैं और अभी भी हम खाना खा रहे हैं, तो फिर आपको मैं खाना खाने के बाद मिलता हूँ। हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है और वो आ रही है हमारी ट्रेन, इसमें हमें जाना है और काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। तो दोस्तों ये ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन में आके बैठ चुके हैं और ये हमारी इस तरफ बैठी है और हमें ये कुछ देखना। तो दोस्तों अभी सुबह के लिए 5:02 और हम पूरी रात से सफ़र कर रहे थे। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं जयपुर में और अभी हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन पर, तो अभी हम चलते हैं पहले। तो ये हमारे सामने लिफ्ट है और आज हम पहली बार लिफ्ट में जाएंगे। तो अभी पहले वापस आ रही है नीचे, अब अपने चलते हैं इसके अंदर और आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये हमारे भाई इसमें आंगली मारे हैं और ये खुली तो है, अब इसके अंदर हम चलते हैं। ये देखिए आप अंदर से ये ऐसी होती है और ये लग चुका है दरवाजा और अभी चलेगी स्वाद ले रहे हैं और ये हो चुकी है चालू और अभी पहले ये खुला था, इसके अंदर से हम आए थे और अभी फर्स्ट फ्लोर जो ही इन्होंने बोला है और यहाँ से हम निकल चुके हैं। तो चलते हैं अपने जयपुर का रेलवे स्टेशन और अभी हम गए थे बाहर कुछ सामान लेने के लिए। तो ये है देख, काफ़ी हद तक सुंदर है और यहाँ पर सफाई सब कुछ है। तो ये पेड़ी आज हम इसका भी उपयोग कर रहे हैं और अभी हम इस पर चल रहे हैं। ये पेड़ी है वो जो हमारा साथी है वो वापस जाके आ रहा है। वापिस क्यों आया? हम तो जा रहे थे नीचे। नहीं मैं, हम भी आ रहे, ऊपर ही आ रहे हैं प्रभु। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं रूम पर और रूम लेने, तो इसलिए हम जा रहे हैं रिक्शा से। अब चलते हैं अपने। तो हमें काफ़ी देर होगी घूमते हुए पर हमें अभी तक कोई रूम मिला नहीं है क्योंकि सभी रूम हैं वो बुक हो चुके हैं। तो अभी हम मेट्रो जो जहाँ पर मेट्रो चलती है हम उसके नीचे पुड़ेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं एक और रूम की तलाश में, तो आपको रूम मिलता है फिर हम आपको रूम में मिलता हूँ सीधा। दोस्तों हमें जयपुर आए थे और जो
जयपुर का प्रवेश द्वार है, वहाँ पर वो देखिए आप सामने हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज वो हमारे सामने है। दोस्तों अभी हम दूसरे लोगों के लिए जा रहे हैं और अभी हम बैठे हैं ये रिक्शा में, तो ये हमारे भाई लोग अभी बैठे हम और रूम पर जा रहे हैं, तो आपको मैं मिलता हूँ सीधा रूम पर ही। तो दोस्तों हम होटल पर गए थे पर हमें रूम मिला नहीं, इसलिए हमारे कुछ जानकार थे जो हमारे जानकार में अंकल है उनके यहाँ पर अब आए हैं, तो ये उनका रूम है जो ऊपर है, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, हम सीधे वहाँ पर यही हैं, तो अभी चलते हैं अपने ऊपर और आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ मैं। जो अंकल जी का रूम है वो चौथी मंजिल पर है, इसलिए हमें पेड़ियाँ चढ़ कर जाना पड़ रहा है और ये गोल गोल पेड़ियाँ हैं, इसमें चढ़ के हमारी जो हालत है ख़राब हो चुकी है, पर जाना होगा हमें ऊपर। और यहाँ पर भी रूम है, यहाँ से आना जाना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये हम के हैं और यहाँ से यहाँ का आपको व्यू दिखाऊं तो आपको सामने वो पहाड़ दिख रहे होंगे, वो आप देखिए वो जो आपको वो पहाड़ दिख रहे हैं और एक वो उस तरफ है। और अभी मैं लेके चलता हूँ रूम में, तो ये हम रूम में एंटर होते ही यहाँ पर ये लगा हुआ है कूलर, इसे आती है ठंडी हवा और हम चार हैं तो हम चार जने हैं, दो यहाँ पर और कूलर यहाँ पर मटका है और यहाँ खाना पीना बनाने के लिए यहाँ पर बर्तन धोने के लिए। और यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ ये गैलरी, ये देखिए यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है। तो दोस्तों हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी इसलिए हमने खाना ऑर्डर कर दिया और खाना आ चुका है, अभी खाना खाने के बाद आपको मैं मिलता हूँ। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है और अभी मैं कूलर की हवा ले रहा हूँ और मैं बेड पर हूँ और जो दो भाई है वो नीचे सोने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों अभी हो चुकी है रात और अभी हम खड़े हैं छत पर और ये हमारे पीछे, और अगर आपको मैं जयपुर का रात का व्यू दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। दोस्तों अभी हो चुकी है रात और अभी हम खाना खाएंगे, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं। और तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।